मैं बता दूं, मेरा नाम अजय सिंह चौहान है और मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा लिखा बच्चा हूं। और मुझे यहां लग रहा है कि यहां ज्यादातर प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, मतलब पढ़े होंगे वहीं से। इनकी बात ही अलग है, कितना स्मार्ट लगते हैं। अपन देखो मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की दुनिया अलग होती है सर। जब प्राइवेट स्कूल का बच्चा स्कूल जाता है उसके पास बैग होता है, जब गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा स्कूल जाता है उसके पास बस्ता होता है। प्राइवेट स्कूल के बच्चों की ना हॉबीज बड़ी प्यारी होती है, गोल्फ खेलना, हॉर्स राइडिंग करना। हमारी क्या होती है, हम आंख मोड़ के भूत बनते हैं। मतलब ये बंदे ना बास्केटबॉल खेल होते हैं, हम कंचे खेले होते हैं कि बता कलिया जोट। कल्ली है, जोट है, कंचे दे, कंचे दे, मां कसम है कंचे दे। ये होता है। फिर प्राइवेट स्कूल कैंटीन होता है, कैंटीन। गवर्नमेंट स्कूल में ना कोई कैंटीन नहीं होता। गवर्नमेंट स्कूल के बाहर एक बूढ़ी सी अम्मा, पतली सी, दुनिया से तरसाई हुई, अकेले बैठी होती है। वो रखती क्या अपने पास, आम पाचन। हिंगोली, सत्तू, चूरण। मतलब प्राइवेट स्कूल के बच्चे नूडल्स खा रहे होते हैं, हम चूरण खा रहे होते हैं। और चूरण का असर आपके सामने खड़ा है आज। अरे प्राइवेट स्कूल बच्चों की बात ही अलग होती है, और लड़ते भी नहीं है वो। अगर लड़ते भी ना तो दो तीन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं बस। अपन कैसे होते हैं, अपन तो पहले मारते हैं घुसंड, फिर कोनी, फिर नाखून रगड़ रहे हैं। मतलब इनके जो दोस्त होते हैं वो लड़ाई छुड़वाते हैं कि यार मत लड़ो, हमें एक अच्छा समाज बनाना है। अपने अलग होते हैं, अपने कहते भाई मार मार तेरी फूफी की लड़की छेड़ी थी मार इसको। मैं आपको बता दूं प्राइवेट स्कूल की ना पिटाई नहीं होती है, गवर्नमेंट स्कूल में भी पिटाई नहीं होती है, हमारी सुताई होती है। एक दिन मैं और मेरे दोस्त आपस में लड़ रहे, टीचर आया, बोला क्यों लड़ो। मैंने कहा सर इसने पंगे लिए, इसको बोलो। उसने कहा नहीं सर अजय ने पंगे लिए। टीचर ने कहा कि दोनों पिटोगे, हाथ दो अपना। मैंने कहा हाथ क्यों दूं, कह रहे हाथ दो अपना। तो ना अपन डरते हैं तो ना हाथ देने की पोजीशन हमारी रेडी रहती है। टीचर मारता हम हटाते हैं, टीचर मारता हम हटाते हैं, टीचर मारता हम हटाते हैं। ये सिलसिला ना यूं ही जारी रहता है। टीचर कहते हैं मुझसे चला कि हमारा हाथ पकड़ता है, हमारा हाथ मोड़ता है, हमारा बेस तैयार करता है, यहीं मारता है, सटा सटा सटा। मुझे तब जाके यकीन आता है कि बंदर हमारे पूर्वज थे, उनकी भी लाल होती है, हमारी भी लाल होती है। आपने मॉडल्स देखे, मॉडल्स, मॉडल्स देखो यहाँ बैठी हुई है, हाय। मॉडल्स होती है वो रैंप पे वॉक करना कैसे सीखती है, जो रैंप पे जाती है यू नो ऐसे। अपन की संटियां लग चुकी होती है, अपन का लाल हो चुका होता है, अपना ऑटोमेटिक सीख जाता है। ये होता है अपना। और वैसे मैं बता दूं आपको कि हम भी ना कोई कम चलाक नहीं होते। हम क्या करते हैं, स्कूल खत्म होने के बाद हम प्राइवेट स्कूल के बाहर खड़े होते हैं लड़के ताड़ने को। वी आर प्रोफेशनल स्कैनर। और अपने साथ ना अपने चार दोस्त भी होते हैं, जिनका नाम क्या होता है, घनश्याम, मुकेश, कृष्णा, ब्रजेश। मतलब ऐसा लगता है मैं देवताओं के साथ खड़ा हूं। लड़कियों को स्कूल से लेके घर तक की छोड़ने की जिम्मेदारी हमारी आंखों की होती है। लड़के निकल रहे हैं, ताड़ रहे हैं, एक रहा वजन भाभी जा रही है। अच्छा क्या नखरे हैं, देखा वजन तेरी भाभी के नखरे हैं। और मैं आपको बता दूं उस भाभी को पता नहीं होता कि उसका पति कौन है, उसका देवर कौन है। आपको क्या लगता है इससे लड़की सेट होती है? अजी आप सेट होती है, आप आप ही बताइए, मैंने आपको सेट किया क्या? थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आजा 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 आजा, ओए ये आया, ये आया, ये आया, अजय बुला रहे, बुला रहे। रुको रुको, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये सच्चाई है ना?
सच्चाई है। यार भाई बहुत बहुत सच्चाई है ये सर सर अक्षय कुमार असली में अरे भगवान बढ़िया थैंक यू। अभी आप एक काम करिए ऊपर चढ़ जाइए। ये चढ़ते मैं कैसे उड़ूंगा बहुत लंबा ही है। मेरे घर में चार हैं बट इसका मतलब नहीं हम फालतू हैं। ना ये सुधर वहां से आ रहा हूँ अक्षय कुमार। अब वाली वाली चाल करके दिखाइयो। सर आपकी शिक्षा कितनी काम आ रही है आज। नहीं मेरे से काम हो गया चलो घर जाते हैं ऐसा कुछ नहीं है। अरे थैंक यू। अरे मतलब आपका मन नहीं किया सुनने का। एक्चुअली पहली बार आया ना मुझे पता नहीं था। कोई बात कोई बात नहीं। देख भाई तू तो सेट है हम बात कर लेते हैं। आप बोलो भाई। अक्षय सर ये एक्चुअली ये हमारे फिल्टर का आदमी है। और भाई आप देखो क्या होता है ना कि हमें बहुत तहजीब तमीज में रहना पड़ता है मेंटर वेंटर बोल देते हैं बट अंदर से ना हमारे ब्रेन में यही कीड़ा है। और मैं क्या फीडबैक दूं तू लेगा थोड़ी। नहीं, यही सोच रहा था पता है। और वैसे भी तुझे लेना नहीं चाहिए तुझे वही करना चाहिए जो तेरी समझ में आता है। नहीं मैं मन बुद्धि नहीं हूँ मुझे समझ में आता है। मन बुद्धि नहीं है। तू हैंग कर हमारे साथ क्योंकि तू इंसान हो ना हो मेरा डाउट है लेकिन तू लेकिन तू 5.5 फुट का दिल है। थैंक यू। तुमको देख के ऐसे लगा कि जैसे हवाई चूहा। मतलब इतना मजा आया ना बहुत ही अमेजिंग। मतलब आई थिंक हम तो लड़ेंगे कि मतलब मुझे इसके साथ काम करना है नहीं मुझे इसके साथ काम करना मतलब बट तू फ्रेंड बन जा हमारा देख ऐसे। बिल्कुल 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 जियो। थैंक यू मजे का जाओ। हो गया हो गया बस जाइए। थैंक यू Thank you.